लूट के आरोपी गिरफ्तार। सागर जिले के बीना में एटीएम गार्ड से पिस्टल की नोक पर मोबाइल लूट के मामले में बीना पुलिस ने महज चंद घंटों में ही आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब इनके अन्य आपराधिक रिकॉर्डों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। बीना थाना अंतर्गत कच्ची रोड पर भारत एजेंसी के बगल में SBI ATM बूथ पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे युवक को तीनों बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर मोबाइल छीनकर भाग निकले। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा। थाना प्रभारी कमल सिंह ठाकुर ने बताया कि हर्ष रैकवार, शंकर माली की टपरिया, गणेश वार्ड बीना, करना रैकवार एवं ऋतिक यादव निवासी बीना को वारदात की सूचना पर घेराबंदी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल एवं पिस्टल और लूट का मोबाइल जब्त किया। घटना के इस संबंध में तीनों आरोपियों ने घटना को करना स्वीकार कर लिया है, जहां अब आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जिस तत्परता से वारदात की जानकारी के बाद कार्रवाई की, उससे आरोपी समय रहते गिरफ्त में आ गए, जहां अब इनसे पूछताछ जारी है। रात्रि में कच्चा सड़क एक स्थान कहलाता है, वहां पे SBI बैंक का ATM है, वहां गार्ड सुनील लोधी रात्रि में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान कस्बे के तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए, जिसको ये सुनील जानता नहीं था। तो उन लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि हमें खुरई तरफ जाना है, कहाँ से जाएँ। तो इसने बताया फलाई जगह से रास्ता पास में, इतने में पीछे से एक व्यक्ति और आया, तो उसने एक पिस्टल जैसी गन थी, उसने उसकी कनपट्टी पर अड़ा दिया और कही जो कुछ हो तुम मुझे दे दो। तो उनसे मोबाइल छीन लिया और छीन के भाग गए। रात्रि जब पुलिस को पता चला कि ये घटना हुई है, तो रात्रि में पुलिस गश्त कर रही थी, गश्त को पॉइंट दिया और मोबाइल जो गश्त में थी चारों तरफ से तलाश किया, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। सुबह 5 बजे से सफल तीनों लोग मिल गए जिनने घटना को अंजाम दिया था। उनसे आके थाने पे पूछताछ की, पूछताछ में उन्होंने घटना कार्य करना बताया। वो घटना में जो पिस्टल यूज की थी वो जब्त हुई, जो फरियादी का मोबाइल छीना था वो जब्त हुआ। ये कार्रवाई करके आज इसको माननीय न्यायालय के समय प्रस्तुत किया गया है।